हैरानी होगी कि इस तरीके से एसएससी लगातार रिपीट करता आया सवालों को। देखिए ये सेम सवाल इस कॉन्सेप्ट पे आया, कहां गया, मिट गया रे ये रहा, x plus y plus z बराबर 19, x plus y plus z बराबर 19, ठीक है, x square plus y square plus z square बराबर 133 and x z बराबर y square, then the difference between z and x, आपको याद होगा कि मैंने ये चीज आपको बताई थी, कैसे बताई थी, मैंने कहा था बेटा याद कर लो, 9, 6, 4, पहली इक्वेशन से मैं बता सकता हूं कि कौन सा 9 होगा, कौन सा 6, कौन सा 4, नहीं, दूसरी से बता सकता हूं, नहीं, तीसरी से बता सकता हूं, हाँ जी बता सकता हूं कि मुझे इसको 4 लेना पड़ेगा, इसका 9, तब ये जाके 6 का स्क्वायर होगा, बोलो, यहां से तो बात क्लियर है कि मैं x को 9 लूं या z को 4 और y कितना आ जाएगा 6, ये बात तय हो गई क्योंकि y स्क्वायर बराबर xz है, y स्क्वायर बराबर xz यानी कि या तो ये 4 है या ये 9, या ये 9 है और ये 4, ये 6 ही है, तो आपसे डिफरेंस पूछा था z और x का, यानी अभी भी इनको खुद नहीं पता था कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा, तो zx का डिफरेंस यानी 9 और 4 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 9 और 4 का डिफरेंस आ जाएगा 5, यही सवाल का उत्तर है, 5 ही सवाल का उत्तर है, 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिशन इंस्टीट्यूट कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैभव वर्मा भिलाई से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है वैभव आपका, श्वेता भगवानी मैं इसमें कमांड नहीं बन पा रहे, ठीक है कमांड बना देंगे, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीम आदित्य, हेलो चाचू योर टीचिंग इज फेबुलस, थैंक यू आदित्य, ये मेरा भतीजा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है और ये साथ में रहता है, बहुत ही प्यारा बच्चा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक दो सवाल अगर मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट पे हैं तो देख लेते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, एक और सवाल आखिरी इस कॉन्सेप्ट पे करेंगे, फिर फॉर्मूला बेस्ड ये खत्म हो जाएगा और हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 114, तो कर लीजिएगा इसको, इसको भी क्या करना है, होमवर्क में देते हैं, आरडब्ल्यू लिख लीजिए, ये सब आपको भी पीडीएफ में डाल के मिल जाएगा, दोनों पीडीएफ हम सीक्वेंस वाइज शेयर कर देंगे, परसों वाली भी और आज वाली भी, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका एस्पेक्ट 2 क्या है, इसी चीज का एस्पेक्ट 2 क्या है, देखिए एस्पेक्ट 2, जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये दिया हुआ है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड दूसरे ब्रैकेट में, ये दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है बात, तो अब इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद की कहानी ये है, ध्यान से समझिएगा कि अगर मुझे कोई ये कहे इफ इफ कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0, ये कोई मुझे कहे, इसी चीज को मैं या करके भी लिख सकता हूं, या फिर ये कहे या x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो देखिए मैंने क्या कहा आपको कि अगर मुझे कोई ये कहता है, अगर मुझे कोई ये कहता है कि ये चीज़ 0 है, तो फिर आप कहेंगे कि दो बातें हो सकती हैं, आपका जवाब होगा कि दो बातें हो सकती हैं, ठीक है, कौन कौन सी दो बातें हो सकती हैं, कि या तो ये ब्रैकेट 0 है, या तो ये ब्रैकेट 0 है, या फिर ये ब्रैकेट 0, बहुत ध्यान से समझना होगा, बहुत ध्यान से समझना होगा, आप और हम और सब जानते हैं कि ये ब्रैकेट 0 तब होता है, पिछली क्लास में पढ़ाया था, जब जब x बराबर y बराबर z हो, याद आ रहा है कुछ, पिछली क्लास में पढ़ा था, जब x बराबर y बराबर z होता है तब ऐसा होता है, तो मैंने वही कहा कि यदि x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब माइनस 3xyz 0 के बराबर है, तो दो वजहों से ये 0 के बराबर हो सकता है, या तो ये 0 या ये 0, ठीक है, यानी अगर हमें ये दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए, तो इसकी दो वजह होंगी, देन ये तभी हो सकता है, पहली a प्लस b प्लस c या तो 0 के बराबर है, या दोनों में से एक बात होगी, या a बराबर b बराबर c, आप सोच रहे होंगे कि फिर सवाल कैसे पूछा जाएगा, हम इन दोनों कंडीशन का यूटिलाइज करेंगे कैसे, तो मैं दो या तीन सवाल पूछूंगा और आपको दिमाग में इस बात को एज इट इज उतार दूंगा, अंकित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश कुशवाहा मथुरा से जुड़े हुए हैं, अभी ऐसा पीडीएफ सॉल्यूशन हमने वीडियो भेजी थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, अरे भाई वीडियो भेजिए, आपको क्या कहा गया था कि 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपको हर एक को एक दिन में ही रिस्पॉन्स चाहिए होता है, पेशेंस जब तक नहीं रखेंगे जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, सिंधिया जी का गेट आज खुला था, कैसे खुला था, चीन खुली थी पेंट की, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं सवाल के माध्यम से दो एग्जांपल लेके इस बात को समझाता हूं जो मैंने भी आपको बताई, ठीक है, मजा आएगा आपको समझ के, देखिए ध्यान से कि अगर आपको किसी ने सवाल पूछा, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल से जितनी अच्छी बात आ सकती है कि इफ इफ एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3 या बराबर 3xyz और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर, ये लिखा हुआ है, देन आपसे पूछ रहा है देन एक्स प्लस वाई अपॉन जेड क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, इतनी सी बात आपसे पूछ रहा है, ठीक है, मैं एग्जांपल 2 लिख रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 2 लिख रहा हूँ इसी पेज पे, एग्जांपल नंबर 2, इफ एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz, तब ब्रैकेट में क्या होगा, एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नंबर, जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं वो डिस्टिंक्ट का नंबर का मतलब नहीं समझते होंगे, इसका मतलब होता है भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नंबर, इसका मतलब क्या, भिन्न संख्या, ठीक है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर 3xyz, एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट नंबर, भिन्न संख्या, आपसे पूछ तभी वही बात रहा है, सेम देन सेम बात पूछ रहा है, एक्स प्लस वाई अपॉन जेड बताओ, तो देखिए दो सवाल पूछे हैं और दोनों के ही उत्तर अलग अलग है, क्या आप बता सकते हैं दोनों के उत्तर, नहीं बता सकते, ठीक है, देखिए पहला सवाल देखिए, मैंने कहा कि जब ये कंडीशन मुझे दे रखी होगी, जब ये कंडीशन मुझे दे रखी होगी, तो मेरे दिमाग में दो बातें आएंगी, कौन कौन सी, कि या तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, या x बराबर वाई बराबर जेड, यही दो बातें मेरे दिमाग में आएंगी, बोलो आएंगी या नहीं, आपने कहा कि इन्होंने ब्रैकेट में दिया हुआ है कि ये ऑल आर पॉजिटिव नंबर हैं, सभी की सभी क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं, अगर ये सभी की सभी धनात्मक संख्याएं हैं तो क्या उनका सम कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, पॉजिटिव नंबर्स का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि ये कंडीशन नहीं होगी, ये नहीं होगी तो ये होगी, अब जब ये सारे बराबर हैं तो आपको याद होगा मैंने कहा था एक एक मान लेते हैं, नहीं भी मानोगे एक एक तो सबको एक्स एक्स ले लो, उत्तर कितना आएगा, एक्स एक्स कट गया, एक्स एक्स कट गया, उत्तर कितना आ गया 2, यही सवाल का उत्तर, ये वाली कंडीशन अप्लाई हो,
पहला एग्जांपल समझ आया कि किस तरीके से सवाल पेपर में पूछा जाएगा। पूछने को भी और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है, और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है, बट अगर हमें x की क्यूब, y की क्यूब, z की क्यूब, 3xy, z दिया हुआ है तो वी आर नॉट श्योर, हम इस बात की कोई गारंटी नहीं रखते कि x plus y plus z 0 होगा या x बराबर y बराबर z होगा, हमें नहीं पता, वो हम कंडीशन देखने के बाद ही समझ पाएंगे। रश्मि भोला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजकुमार कश्यप है, प्रयागराज बुला रहे हैं, जी बिल्कुल आना होगा, एम एजुकेशन है, इरफान अहमद है, इमरान खान है, बहुत प्यार भेज रहे हैं दोनों को, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। देखिए अब देखिए आप कि यहाँ पर भी दो बातें होंगी, x plus y plus z बराबर 0 या x बराबर y बराबर z, दो बातें होंगी, कौन कौन सी, x plus y plus z बराबर 0 या x बराबर y बराबर z, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि इन्होंने कहा हुआ है कि x, y, z आर डिस्टिंक्ट संख्याएं, ये भिन्न नंबर है, भिन्न का मतलब होता है एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये वाली कंडीशन नहीं चल पाएगी, ये कंडीशन नहीं चल पाएगी, x plus y plus z बराबर 0 हो जाएगा, x plus y plus z बराबर 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो मैं x plus y का मान यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, आप कहेंगे माइनस z, तो माइनस z बटे z कितना उत्तर आ जाएगा, माइनस 1। पहले सवाल का उत्तर 2 आ रहा था, नीचे वाले सवाल का उत्तर माइनस 1 आ रहा है, यही उत्तर है। स्क्रीन के सामने से दूर हो जाइए, उमेश कह रहे हैं, लो उमेश हो गए, बहुत दर्द पेट में है, उसको लेकर के बैठे हुए हैं,